यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट है। आज से 5 साल पहले हमने सोशियोलॉजी का एक फ्री कोर्स डाला यूपीएससी में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की दिशा बदल गई। दिशा कैसे बदल गई? बहुत से बच्चे महंगी कोचिंग जाकर वहां पर तैयारी करते थे, तो वो तैयारी करना थोड़ा आसान हो गया। हमने अपने स्लीपी क्लासेस चैनल पर सोशियोलॉजी का कोर्स कम्प्लीटली सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया, बहुत से बच्चों का रैंक्स आए और हम टाइम एंड अगेन वहां पर आपको बताते रहते हैं किस बच्चे ने किसका रैंक आया। बच्चे खुद अपने चैनल्स पर अपनी पोस्ट पे बताते रहते हैं आपको कि कैसे रैंक लिया। अब बारी है दोस्तों बिहार की। बिहार में भी सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है रैंक निकालने में। तो दोस्तों अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो पर्टिकुलरली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं अनाउंस करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा प्लान। एक बड़ा प्लान है बिहार पीएससी के लिए सोशियोलॉजी की, यहाँ पे अनाउंसमेंट है। बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको चाहता हूँ बताना कि बहुत से बच्चे अभी दो, हमने स्टेट स्पेसिफिक अगर हमने कोई कोर्स नहीं अभी ऐसे निकाला सोशियोलॉजी का, उसके बावजूद बच्चे हिमाचल में, असम का भी रिजल्ट आया अभी, उसके पहले ओडिशा का रिजल्ट आया, तो वहाँ पे सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स हैं बच्चे। सिर्फ हमारे यूपीएससी ओरिएंटेड कॉन्टेंट को ही देख रहे हैं और उसी से समझ कर टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगल डिजिट रैंक ले पा रहे हैं अपने स्टेट्स में। तो दोस्तों यहाँ पर अब अनाउंसमेंट है अबाउट बिहार। तो दोस्तों मैं बिहार के बारे में आपको चाहता हूँ बताना दोस्तों कि बिहार पीएससी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पीएससी के लिए हमने यहां पर एक बदलाव क्या लेकर आए। हमने यहां पर दोस्तों शुरू किया अपना एक प्लान, सिंपल सा प्लान है हमारा बिहार पीएससी को कैसे टारगेट करें। अभी जैसे बच्चे बिहार पीएससी देने वाले हैं तो उसके लिए यहां पर प्लान, सिंपल सा प्लान है कि टारगेटिंग हम क्या करने वाले हैं बिहार के पीएससी मेंस को 2000, अगर आप 22 की हम बात कर रहे हैं अभी तो 2022 में, लेकिन आने वाले सालों में बहुत यूजफुल होने वाला है। कंटेंट हमारा बहुत सारा अवेलेबल है ऑलरेडी जो यूट्यूब पर, स्लीपी क्लासेस पर, लेकिन अब बिहार स्पेसिफिक हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सेक्शनल पीवाईक्यूज कवर करेंगे। सेक्शनल पीवाईक्यूज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बिहार के, अगर मैं आपको एग्जाम का पैटर्न समझाऊं, पैटर्न बहुत ही सरल है, एक पेपर ही आएगा, उस पेपर में दे विल बी 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चंस पार्ट ए में, 6 क्वेश्चंस पार्ट बी में, ठीक है, 6 और 6, दो आपको जो पार्ट है वहां पे मिलते हैं। अब आपको पहले पार्ट में 6 क्वेश्चंस में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, अगले 6 पार्ट जो क्वेश्चंस जो 6 सवालों में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, गेटिंग इट, कि पहले 6 में से 3, अगले 6 में से 3, टोटल आपको 3 और 3 मिलाकर 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं। लेंथी मतलब क्वेश्चंस यूजुअली थोड़ा सिंपल, जो एक इनकी डेफिनेशन रहती है, थोड़ा ऑन द इजियर साइड होते हैं, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है, 6 से 7 आपको वहां पे पन्ने भी भरने पड़ेंगे रिलेवेंट कंटेंट के साथ। सिर्फ ऐसे यूनिवर्सिटी टाइप जाके हम लिख देंगे वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे, है तो हमारा ये पीएससी का एग्जाम, तो लेवल रेज करना पड़ेगा, अच्छे एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे, कंटेम्प्रेरी बातें लिखनी पड़ेंगी। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत हेल्प होने वाली है आपकी यहाँ पर, तो वही उसी कॉन्टेंट को मोल्ड करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा अटैक का पॉइंट है वो है कि हम पीवाईक्यूज, जितने भी अभी जो हमारे पास बिहार पीएससी के पेपर हैं पिछले, हम पिछले कम से कम 5 सालों के पेपर यहां सॉल्व कर देंगे। और 5 सालों के पेपर सॉल्व करना मतलब 12 जो सवाल एक पेपर में आ रहे हैं अगर, तो 5 सालों में कम से कम हम 60 सवाल कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो सेम से दिख जाते हैं, पहले देखा होगा हमने दोबारा देख लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर देंगे। मान के चलिए 50 के आसपास हम सवाल अटेम्प्ट करने वाले हैं यहाँ पर। और एग्जिस्टिंग हमारा जो कंटेंट है कैसे मोल्ड करेंगे, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, सर लेकिन बिहार पीएससी में तो हमारे कुछ सेपरेट टॉपिक्स भी हैं यूपीएससी में नहीं होते, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे उपचार, बात करेंगे इसकी। तो बिहार सेंट्रिक कंटेंट की बात है यहाँ पर, कि बिहार के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऐसे टॉपिक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार पीएससी ओरिएंटेड है, रैंक दिलाते हैं, उसकी बात करेंगे। ओके देन दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो अगली जो चीज आती है, इट इज अबाउट, जो यहाँ पे आप देखिए कि जो आंसर फ्रेमवर्क, आंसर फ्रेमवर्क को बनाना, क्योंकि जो 6 से 7 पन्ने आपको अगर भरने हैं, 40 पेजेस का आपका पूरी जो बुकलेट होती है, 40 में आपको जब 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मान के चलिए 7 पेजेस अप्रॉक्सिमेटली आपको भरने हो, 7 भरने अगर आपको, तो ऐसे टाइप आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ऐसे कैसे बनाएं, ठीक है, कि हम एक जो कंटेंट कैसे लेके आए। डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर पे सवाल पूछा गया, कैसे हम उसमें 7 पेज भरें, रेलिवेंट कंटेंट कहां से लाएं, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा, कंटेंट एग्जिस्टिंग हमारे पास है ऑलरेडी, बहुत सारा कंटेंट है, उसको कैसे मोल्ड करें बात करें, ठीक है। तो ऐसे टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर है, और कैसे थिंकर्स, होलिस्टिक कवरेज, हम जो यहाँ पर बहुत सारी जो घटनाएं पढ़ते हैं, जीएस के लिए इतना कुछ जानते हैं, कैसे उसको यूज करें, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के कारण अभी हम आगे देखें, तो बिहार सेंट्रिक कंटेंट हमने देखा, आंसर्स बनाने की हमने बात की यहाँ पर, और बिहार एक्सक्लूसिव जो हमारा कंटेंट होगा उसकी हम बात करेंगे। ओके देन दोस्तों, यहाँ पे आप आगे देखिए, पर्टिकुलरली जो बिहार एक्सक्लूसिव कंटेंट है
जैसे कि टॉपिक्स हैं दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप जिनको कह सकते हैं क्रीम। क्रीम मतलब कि आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हम जल्दी उसमें मार्क्स निकाल सकते हैं। तो अगर देखो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बहुत सा कंटेंट आप तैयार रखते हो, एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट जो बिहार में हेल्प करेगा उसकी बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस हैं, जैसे एजुकेशन सिनेरियो इन बिहार, बहुत ही एक हमने जो एनालिसिस किया हॉट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। ओके, कास्ट डायनामिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये कुछ चीजें हैं ऐसी वाली जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क आंसर्स बनाते हुए अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अब बिहार स्पेसिफिक कुछ कंटेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम जो अगर दिमाग में लेके चलें और प्रेपरेशन स्ट्रांग रखें तो डेफिनेटली हमें रिवॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पर्टिकुलरली स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली मैरिज, एजुकेशन इन बिहार, रूरल अर्बन डायनामिक्स, कास्ट सिनेरियो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे और अपने एग्जाम में डेफिनेटली मुझे लगता है हम एज ले सकते हैं बाकियों से। और हाईएस्ट मार्क्स निकालने की यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी जो थिंकर्स, कंटेम्प्रेरी आइडियाज, करंट अफेयर्स सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू एडिशन कुछ यहाँ सामान डालते हैं। अगर देखो इसके बियॉन्ड आपको लगता है कि कंटेंट चाहिए, रैपिडली चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे यूपीएससी ओरिएंटेड कोर्सेज में जाके देख भी सकते हैं। हमारा फ्री बहुत सारा सामान सोशियोलॉजी का फ्री है हमारे यूट्यूब पर। लेकिन आपको और जैसे एक्स्ट्रा कुछ जो हमारे जो कंप्लीट कोर्सेज रहते हैं, जिसमें हम कंप्लीट कोर्सेज में लेटेस्ट क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या है सोशियोलॉजी के, उसकी बात करते हैं। एंड कोर्स में भी हम एक्स्ट्रा सामान पढ़ते हैं क्योंकि कोर्स और हॉलिस्टिक है उसमें चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूंगा, सोशियोलॉजी का यूट्यूब पर जाकर जरूर देखिए, आपकी सोशो की क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं उसके आपके साथ चाहूंगा बात करना। ओके, देन अंत में हम अगर टॉप रैंक निकालना है तो क्वालिटी कंटेंट चाहिए, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कंटेंट ही आपको रैंक दिलाएगा, कंटेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। एंड देन जो आपको क्वेश्चन की डिमांड, स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर में आंसर नहीं बना रहे, देखो आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैं आपको कैसे कभी कुछ आंसर करता रहूंगा तो कैसे समझ आएगी बात। अभी छोटी सी हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई, इसको भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से लाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को बात थोड़ा ढंग से समझ आए। तो सेम चीज बच्चों को चाहते हैं समझाना कि एग्जामिनर को भी आप ढंग से समझाएंगे, अपने आंसर्स स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाएंगे, बेहतर बात कम्युनिकेट हो पाती है। दैट्स इट, सिंपल चीज होती है, बिल्कुल ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाना एक्सेट्रा बहुत हाईफाई चीज नहीं होती, सिंपल चीज है, बस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप किसी को बात समझाते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर से काम कर रहे हैं। ओके, देन यहां पर अपने आंसर्स में हम रेलिवेंट एग्जांपल्स डालेंगे और आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या हम यहाँ पे बेहतर एग्जांपल्स कोट कर सकते थे, क्या हम चीज को हाईलाइट करें, क्रिटिकली कैसे एग्जामिन करें, छोटी छोटी चीज लेकिन बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े आंसर्स, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि अगर हम इतना ही काम कर पाए तो डेफिनेटली हम इस साल जो बिहार को टारगेट कर रहे हैं अगर, तो हमारा अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं मेंस में। और दोस्तों प्लान क्या रहेगा, सिंपल है कि हम, मैं आपको तीन जो यहाँ पे स्टेप्स में समझाता हूँ। पहला प्लान कि हम जो जितने भी प्रीवियस ईयर बिहार के हमारे पास सोशो के पेपर्स हैं, मैं 4 से 5 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। 5 साल का क्यों, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्टेंट काफी कवर हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पी वाई क्यूज कवर करेंगे हम सारे के सारे। ठीक है, एक दिन हम अब कैसे कवर करेंगे, एक दिन आएंगे हम, जैसे मान लीजिए जो प्रीवियस हमारे पास जो बिहार का हमारे पास सोशो का पेपर है, उस सोशो के पेपर में हम एक दिन पार्ट ए डिस्कस करेंगे एंड उसके 2 दिन बाद हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे, फिर एक दिन पार्ट ए पार्ट बी। 5 हफ्ते में हम 5 साल के पेपर कवर कर सकते हैं। 1 हफ्ते में अगर हम 2 साल कवर कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए, एक साल कवर कर रहे हैं तो हम 5 हफ्ते में 5 साल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो प्लान है अभी कि एक दिन मंगलवार को, जैसे डिसाइड किया हमने, मंगलवार को हम डालेंगे पार्ट ए ऑफ द लास्ट ईयर एग्जाम, एंड देन जो शुक्रवार को हम डालेंगे पार्ट बी, देन कम्स नेक्स्ट ट्यूजडे, हम नेक्स्ट ट्यूजडे को उसके पिछले साल का पार्ट ए, एंड देन फ्राइडे को पार्ट बी, एंड देन नेक्स्ट वीक फिर से उसके पिछले साल का पार्ट ए एंड पार्ट बी। 5 साल कवर करने वाले हैं, काफी चीजें कवर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, क्लैरिटी आएगी, कैसे आंसर लिखें, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। और अगर कंटेंट की कमी लगती है, यूट्यूब पे हमारे जो वीडियोस अवेलेबल हैं, जो स्लीपी क्लासेस के चैनल पर, वो देख सकते हैं, कोर्सेज कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं आप, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लो कॉस्ट कोर्सेज से काम करते आए हैं, ग्रास रूट से बच्चे दोस्तों रैंक निकाल रहे हैं, असम क्या, ओडिशा क्या, पंजाब, पंजाब में तो जीएससी पूछी जाती है, ऑप्शन नहीं आती, हिमाचल, हरियाणा,
इतनी सारी जगहों पर जो कंटेंट यूज हो रहा है वही चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ राइट इंटेंशन रहे, इंटेंशन के साथ साथ जन जन का फायदा हो। तो दोस्तों यहीं पर ही ग्रास रूट में रेवोल्यूशन आती है। तो यही बस आइडिया है और आप साथ दीजिए और इसको अगर हो सके तो अपने साथी मित्रों के साथ शेयर कीजिए और शेयर करेंगे डेफिनेटली और बच्चे जुड़ेंगे और ग्रोथ अच्छी लगती है देखनी और लगता है कि और बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुहिम आगे भी जाती है और सस्टेनेबल बनता है। ये सब चीजें साथ साथ लेके चलेंगे, आप ही के साथ ही है जो हमें अभी यहाँ तक पहुंचा पाए। ठीक है दोस्तों, तो बस चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज में बहुत ही जल्द और थोड़ा तैयारी करते हैं जमकर और रैंक निकालते हैं।